रतकथा कोष हरिसेन मीरभोज को प्रभात सूर्य की उपाधि कौन से ताम्रपत्र में दी गई? दौलतपुरा ताम्रपत्र। नागभट्ट सेकंड की उपाधि परम भट्टारक महाराजा अधिराज परमेश्वर की उपाधि का उल्लेख कौन से अभिलेख में हुआ? भुजकला। उज्जैन को राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम की राजधानी जालौर कौन मानते हैं? दशरथ शर्मा। हिरण्यगर्भ महादान समारोह किसने आयोजित किया? नागभट्ट प्रथम ने। बलि प्रबंध ग्रंथ की रचना किसने की? नागभट्ट सेकंड। गठेला शिलालेख कक्कुक, मंडोर शिलालेख बाउक, हरिवंश पुराण जिनसेन। नागभट्ट प्रथम ने किसके नेतृत्व में अरब आक्रमणकारियों पर विजय हासिल की? जुनेद खां। अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का साथ कौन से राजा ने दिया था? राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग। महेंद्रपाल का गुरु राजशेखर। मीरभोज के समय कौन सा अरब यात्री आया था? सुलेमान। महेंद्रायुद्ध निर्भयराज निर्भेंद्रेंद्र किसे कहा जाता था? महेंद्रपाल को। काव्य मीमांसा कपूर मंजरी विदसाल बंजिका बाल रामायण बाल भारत की रचना किसने की? राजशेखर ने। महाराष्ट्र चूड़ामणि रघुकुल तिलक रघुग्रामणी राजशेखर ने कौन सा शुभ कहा? महेंद्रपाल प्रथम को। रघुवंश मुक्तामणि तथा आर्यावर्त का महाराजा अधिराज राजशेखर ने कौन सा शुभ कहा? महिपाल को। प्रभावक चरित्र चंद्रप्रभ सूरी। मीरभोज को अधिवराह की उपाधि कौन से प्रशस्ति में कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति। महिपाल फर्स्ट के समय कौन सा अरब यात्री आया था? अलमसूदी। नारायण का अवतार नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट सेकंड ने किसको परास्त करके कन्नौज पर अधिकार किया? चक्रायुध को। कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट सेकंड ने। शिशुपालवध नामक काव्य किसने लिखा था? कवि माघ।